You are the precious child of Jesus. आप यीशु की अनमोल संतान हैं। And he says, you are my beloved son, and in whom I am well pleased. और वो कहता है, तुम मेरा प्रिय बेटा हो, जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। My precious friend. मेरे प्रिय मित्रों। I want to share with you a wonderful verse from Proverbs 8:30. मैं नीति वचन 8:30 से आपके लिए एक अद्भुत वचन को बांटना चाहूँगा। This is about Jesus our Lord. ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे है। I was beside him like a master workman. तब मैं प्रतिदिन कारीगर से उसके पास थी। I was daily his delight. और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी। Rejoicing before him always. और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। Another translation says. एक दूसरा अनुवाद कहता है। I was his beloved child living by his side. मैं उसकी प्रिय संतान थी जो उसके साथ उसके बगल में होती थी। Precious child. उसके अनमोल संतान के रूप में। You are the precious child of Jesus. आप यीशु की अनमोल संतान हैं। Yes, he has bought you with his blood. हाँ, उसने आपको अपने लहू से खरीदा है। To be his own child. ताकि आप उसकी संतान हो। And he says, you are my beloved son, and in whom I am well pleased. और वो कहता है, तुम मेरा प्रिय बेटा हो, जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। You are my beloved daughter, in whom I am well pleased. तुम मेरी प्रिय बेटी हो, जिससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। Do not be afraid. इसलिए न डरे। Rejoice. आनंद मनाएं। And say, I am the beloved child of God. और कहें, मैं परमेश्वर की प्रिय संतान हूँ। And you will be God's delight. और आप परमेश्वर का आनंद होंगे। He has no other delight other than having his children around him. उसके पास और कोई दूसरा आनंद नहीं कि उसके संतान उसके पास में हो। Yes, he delights in you. हाँ, वो आप में आनंदित होता है। Zephaniah 3:17, he sings over you with rejoicing. सपन्या 3:17 के अनुसार वो आनंद करता हुआ आपके विषय में गाता है। And because of that, always he will make you live with rejoicing, with blessing after blessing following you. और उसके कारण से वो आपको हमेशा जय के साथ, आनंद के साथ रखेगा कि एक के बाद एक आशीष आप पर। The Lord Himself will bless you and keep you blessed with one blessing after another following you. स्वयं परमेश्वर आपको आशीष देगा और एक के बाद एक आशीष ऐसी देगा कि वो आपके पीछे आते जाएंगे। According to John 1:16, जैसा यूहन्ना 1:16 कहता है। A brother called Vincent shared this. विंसेंट नाम के एक भाई ने अपनी गवाही को कुछ यूं बांटा है। वे बेरोजगार थे। Searched for job everywhere, couldn't find it. सब जगह उन्होंने नौकरी ढूंढी पर उन्हें कुछ न मिला। Never knew Jesus. वो यीशु को जानते ही नहीं थे। At that time, somehow he came to the Jesus Calls prayer tower. और उसी समय किसी तरह से वो जीसस कॉल्स प्रार्थना भवन में आए। Prayer intercessor prayed for him. प्रार्थना योद्धाओं ने उनके लिए प्रार्थना की। Miraculously, God gave him a job. अद्भुत तरीके से प्रभु ने उन्हें एक नौकरी दी। Exactly what he asked, he got it. और बिल्कुल जो उन्होंने मांगा था वही उन्हें मिला। And his mother was searching for a bride for him. और उनकी माँ उसके लिए एक वधु की खोज कर रही थी। But he was afraid what type of girl will come. पर वो डर रहा था कि किस तरह की लड़की उनके परिवार में आएगी। At that time there was a meeting held in Chennai. और उस समय चेन्नई में एक सभा रखी गई। He attended it. उसने उसमें भाग लिया। Standing right at the back. और बिल्कुल आखिर में खड़ा था वो। And there in that meeting, I was calling the names of the people and saying what Jesus was telling about. और उस सभा में मैं लोगों के नामों को लेकर के बता रहा था कि प्रभु उनके लिए क्या कह रहे हैं। He said, "How wonderful it'll be if he calls my name." उसने सोचा कि कितना अद्भुत और अच्छा होगा अगर वो मेरा नाम पुकारे। And I said, "Vincent." और तब मैंने कहा, "Vincent, you." are being blessed by God. तुम प्रभु के द्वारा आशीष पा रहे हो। And whatever good things that you have been waiting for, God is giving it to you. और जिन भली चीजों के लिए तुम इंतजार में थे, प्रभु ने तुम्हें दे रहा है। Don't be worried. बिल्कुल भी चिंता ना करो। Vincent, उनके मीद अपने खरम इरंगी कुंडे रख रहे Mr. Vincent, अवले पढ़ा देंगे। Amazingly, God's Holy Spirit came upon him. अद्भुत तरीके से परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आई। And his mother found the girl for him. और उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की को ढूंढा। In 2 months, और 2 महीने में ही the marriage happened. उनका विवाह हो गया। And they have a beautiful boy child. और उनको एक सुंदर बेटा हुआ। And their life is full of joy. अब उनका जीवन आनंद से भरा हुआ है। May God give you this blessing. परमेश्वर आपको यही आशीष दे। Father, पिताजी, this is your beloved son, beloved daughter. यह आपकी प्रिय बेटी और प्रिय बेटा है। Let them enjoy your love. आपके प्रेम का आनंद लें एंड ब्लेस्ड
और उन्हें आशीष दें। Those who need the life partner for them, give it to them. Give them this blessing in Jesus' name. जिन्हें अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए, आप उन्हें यीशु के नाम में इस आशीष को दे दें। Let the right partner come in search of them. Let them get married immediately, miraculously. सही जीवन साथी उनको ढूंढते हुए यार, अद्भुत तरीके से वे तत्काल ही विवाह के बंधन में। Those who need a job, let the job come in search of them in Jesus' name. जिन्हें नौकरी चाहिए, नौकरी उनको ढूंढते हुए यीशु के नाम में आ जाए। The job they have desired, let it come to them in Jesus' name from You, Lord. जिस नौकरी की उन्होंने लाल सकी, यीशु के नाम में उनके पास आने पाए। पिताजी, we pray that you will build their house. हमारी प्रार्थना है कि आप उनके घरों को बनाएंगे। Give a child to those who need a child. जिन्हें एक संतान चाहिए, आप उन्हें एक संतान देंगे। And all the finances to run their family. और परिवार चलाने के लिए हर एक आर्थिक मदद भी देंगे। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। Let there be peace. वहाँ शांति आ जाए। Perfect blessing in their life. उनके जीवन में सिद्ध आशीष आ जाए। Let them have the direct connection with you as a beloved child to you, Lord. और आपके प्रिय संतान होने के नाते वो सीधे आपसे जुड़े रहें। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. My friend. मेरे मित्र। Call the prayer tower any time, 24 hours it's open for us to pray with you. आप प्रार्थना भवन में प्रार्थना के लिए फोन लगाएं, वो हमेशा खुले रहते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Store the number that you see on the screen and call for prayer. It's absolutely free. आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर को सेव करें और फोन करें। ये पूरी तरह मुफ्त है। And the Lord Jesus will do miracles. और प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, we are going to have a prayer get together at Bethesda Prayer Center at Karunya Nagar, which is in Coimbatore. हम एक विशेष प्रार्थना सत्र करने वाले हैं बेथेस्डा प्रेयर सेंटर, जो कि कारुण्या नगर कोयंबटूर में है। Yes, we are going to pray that God will turn your sorrow into joy. हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल दे। So come with all your family members. और इसलिए अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ आइए। Let God wipe away their tears and do miracles for them. कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और उनके लिए चमत्कार करे। We lay hands on everyone who comes and pray for them in the name of Jesus. वहां पर आने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर हम हाथ रखते हैं और यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Of Jesus will come upon them. यीशु का हाथ उन पर आए। It'll come upon you. वो आप पर आएगा। And you will go back with your sorrow turned into joy. और आप वापस जाएंगे और आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। You can come and stay there. आप आकर वहाँ पर रह सकते हैं। Food facilities are available. भोजन की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। Transport facilities are available from the city of Coimbatore. कोयंबटूर शहर से यातायात के साधन भी उपलब्ध है। Just come. बस आइए। Call the number on the screen and they'll give you all the information. स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और वो आपको सारी जानकारी देंगे। डॉक्टर पॉल दिनकरन और इनका परिवार व्यक्तिगत रीति से आपको न्योता देते हैं कि बेथेस्डा ब्लेसिंग मीटिंग कारुण्या नगर कोयंबटूर में आए। तारीख है रविवार 7 जुलाई, समय है दोपहर 2 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 9487846601 पर। तुरंत संपर्क कीजिए।